तो जैसे आपने पूछा कि टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट तो वो तो हमारे हिसाब से इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मुझे हमें ही निकालना चाहिए कि के लिए वही तो मेरा उत्तर है प्रिपरेशन के लिए टाइम अगर हमारे दिमाग में एक टारगेट है कि मुझे ये चाहिए तो टाइम अपने आप आएगा राइट राइट और इसके अलावा आपने सोचा था एग्जामिनेशन जब देकर आए थे attempt, और में जाकर तो लोगों को जनरली एक्सपीरियंस ही होता है एग्जामिनेशन दिस कम एंड मेनी पीपल कंप्लेन अबाउट वर्किंग कंप्यूटर की इश्यूज ये वो सो so, आप तो फर्स्ट अटेम्प्ट में गए oh. आपने सब की परवाह की आर एफ तो ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा हो जाएगा जब एग्जामिनेशन देकर बाहर निकले थे नहीं नहीं मैम मेरे तो सोच में सोच से ही बाहर था कि मैं, मुझे नहीं पता था कि मैं नेट क्लियर करूंगा या नहीं क्योंकि एग्जामिनेशन थोड़ा मॉडरेट लेवल का था पेपर वन और पेपर टू कॉमर्स का तो और जैसे आपने बोला कि ऑनलाइन मोड में था तो स्क्रॉलिंग का इश्यू हमारे सेंटर में ऐसा कुछ स्क्रॉलिंग का इश्यू नहीं था लेकिन जैसे आपने बोला कि कंसेप्चुअल बेस्ड हो गया है यू नेट अभी कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल बेस्ड है तो आ, तो वो तो मेरे दिमाग में था कि ऐसा ही प्रिपेयर करना है कि बाय हार्ट स्टडी नहीं नहीं चलेगा कि बेस्ड ही, ही चलेगा अभी ही, जब से एनटीए ने ये शुरू किया जब से एनटीए ने ये एग्जाम कंडक्ट करना शुरू किया तो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो गया तो मेरा स्टडी स्ट्रेटेजी भी ऐसा ही था कि कॉन्सेप्ट्स समझ लेना और पढ़ाई कर लेना वही तो और जैसे आपने बोला भगवान की हेल्प से ये पास हुआ वही तो मेरा बिल्कुल नहीं नहीं फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव वो तो हमेशा कहते हैं गोड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स तो मैंने तो आपने डेफिनेटली करी है और वो मैंने दिख रही है हमें आपके स्कोर में आपके रिजल्ट में तो अशकर जी जैसे अभी आप एम okay. भी कर रहे थे तो डेली बेसिस पे आपको कुछ टाइम मिल पाता था देर वर एनी फिक्स नंबर ऑफ आवर्स जो आप निकाल पाते थे अपनी प्रिपरेशन के लिए दोनों को कैसे बैलेंस आउट कर रहे थे आप Uh, डेली हिसाब से वो क्या बोलते हैं कि मैंने बोला की मैं पढ़, तो पढ़, तो पढ़ रहा था और जो संडे होते हैं एक हफ्ते के बाद का जो संडे होते हैं है, उस दिन जो कुछ भी मैंने पढ़ लिया वो रिवाइज करता था ऐसा मेरा स्ट्रेटेजी था okay, तो okay. और दूसरा क्या है की नो, नोट्स रखता था पेपर वन और पेपर टू के लिए नोट्स हैंड रिटन नोट्स ओके okay. लिए तीन रखता था एक एक क्या है कि पे, पेपर वन के लिए एक नोटबुक पेपर टू का थियोरी के लिए एक नोटबुक और पेपर टू का न्यूमेरिकल के लिए दूसरा नोटबुक ओके okay. ऐसा ठीक है ठीक है तो, तो अभी जैसे एमकॉम में भी आप चीजें पढ़ रहे थे तो वर दे रिलेटेड टू आपके जो यूजीसी नेट उसमें आप कुछ रिलेशन भी निकाल पा रहे थे और कुछ कंबाइंड स्टडी भी वाज इट पॉसिबल कंबाइंड स्टडी क्या है कि मेरे दोस्त लोग मेरा मेरा जो मेरे जो मेरे साथ पढ़ रहे थे उन्होंने भी नेट के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो हम ग्रुप डिस्कशन करते थे ओके okay, और okay. और थोड़ा थोड़ा ऐसा भी ऐसा भी कुछ सब्जेक्ट था जो हमने पहले तीन सेमेस्टर का एमकॉम में कवर किया था हुँ, जैसे कि फिनेंशियल मैनेजमेंट फिनेंशियल मैनेजमेंट हम फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया था और स्टैटिस्टिक्स भी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ लिया था तो एक बेस मिला था एमकॉम एक बेस मिला था राइट right. ओके okay, और अगर बुक की बुक की बात करो तो टू तो बी फ्रैंक केवीएस मदन का बुक मैंने लिया था पेपर वन okay. और पेपर टू के लिए लेकिन टू okay. तो बी फ्रैंक वो तो बहुत डिफिकल्ट था पर, वो सिर्फ बुक से पढ़ना तो बहुत डिफिकल्ट था तो रहे. क्या कि मैं यूट्यूब का यूट्यूब के सहारे से प्रिपरेशन करना शुरू किया जी ठीक है तो जैसे आपने प्रिपरेशन अपना करना स्टार्ट किया तो उसमें

आपको मालूम होगा टेक्सट बुक था फ्री, फ्री नहीं। मैंने नहीं लिया था नहीं लिया है सब कुछ यूट्यूब okay. मैंने okay. किसी का भी पेड बैच नहीं लिया था टेस्ट बुक का भी फ्री मॉक्स था उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मॉक था जहां से जो मिलता था वो बटोरते रहते थे <laughs> वही तो वही तो वही तो वही तो नहीं पर आपसे तो... आप ये पूछना चाहूंगा कि आजकल तो जैसे नौले... मतलब जो नॉलेज है ना इट्स का बहुत ज्यादा ओवरलोड है तो जैसे आप अगर कुछ भी सर्च करो कुछ भी ढूंढो तो आपको थोड़ा कोई ऐसा मुश्किल नहीं हुआ या किसी ने आपको गाइड किया कि कौन से सोर्सेज को आपको फॉलो कर लेना चाहिए या फिर आप खुद ही भटकते भटकते पहुंच गए राइट सोर्सेज पे कि नहीं इनको फॉलो कर लेना चाहिए यहाँ से कर लेना चाहिए क्योंकि कोई एंड नहीं है एंडलेस है आपका कंटेंट एंडलेस है यूट्यूब पे विडियोज एंडलेस है आपके यूट्यूबर्स जो पढ़ा रहे हैं तो आप किस तरीके से ये कर लेते थे फिल्टरिंग कर लेते कि अरे नहीं आज इनका देख लेते हैं इनका मेरे को सही लग रहा है तो कैसे आप वो कर लेते थे नहीं वो क्या है कि मैं, मैंने पहले मैंने पहला एक स्टेप या क्या है कि मैंने पेपर वन और पेपर टू का सिलेबस का प्रिंट आउट लिया और मेरा मेरा जो जो सीनियर सीनियर दोस्त है मेरा एक एमकॉम में जो सीनियर है एक में उन्होंने बोला कि श्योर श्योर टॉपिक्स होते हैं पेपर वन और पेपर टू में यानी कि पक्का वो आएगा अगर प्रैक्टिस किया तो मिलेगा तो ऐसा कुछ टॉपिक्स है जैसे कि पेपर वन में आरसी है मैथ्स है डाटा इंटरप्रिटेशन है तो अगर ये सब प्रैक्टिस किया तो पक्का मिलेगा हमें मार्क्स जी क्योंकि ये जो तो, जो टॉपिक्स जो मैंने बोला कि वो स्टैटिक पोर्शन है और पेपर टू में जब आया तो मैंने यूट्यूब में सर्च किया कि यूजीसी यु, नेट टॉपिक्स तो बहुत सारे जैसे आपने बोला कि एक क्या बोलते हैं कि समुद्र की तरह ओवरलोडेड है समुद्र है समुन्द्र है यूट्यूब में तो बहुत सारे सोर्सेस है तो और और मैंने मैराथन सेशंस देखा आपके चैनल का मैराथन सेशंस तो देखा तो आपका मैराथन सेशंस देखा तो मैराथन एक्चुअली हेल्प क्योंकि उसमें क्या है कि हमें एक ओवरऑल ओवरऑल बेस मिलते है जब हम मैराथन करते हैं जैसे कि आपके चैनल में जो फिनेंशियल मैनेजमेंट का मैराथन था तो जब मैंने जो मैराथन किया तो मुझे समझ आया कि एक बेस मिला कि यह पढ़ना है ये पढ़ेगा तो चलेगा ऐसा तो फिल्ट, फिल्टर करने में ही दो तीन हफ्ते लग गया okay. सोर्सेस को फिल्टर करने में ओके ओके ठीक ठीक है थीक है। तो जब आपने उनको रिलीजियसली फॉलो किया उसके बाद दोबारा से अपने को नहीं किया। येसे 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 को नहीं किया। और ओके और दूसरा ये है कि सर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जैसे आपने बोला वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब से मैं यही नहीं बोलता कि क्वेश्चंस रिपीट होगा इसका ऐसा कोई मतलब नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का मतलब है है कि वो जो आता एग्जाम में यानी कि फॉर एग्जांपल जब मैं इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन देख रहा था उसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का एक क्वेश्चन था टू थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी में तो जब हम ऐसा एक क्वेश्चन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी का एक क्वेश्चन हम दिखते हैं तो हमें वो कंसेप्ट पढ़ना चाहिए Hmm. पढ़ना चाहिए।, hmm. right. चाहिए उस उस क्वेश्चन को नहीं पढ़ना चाहिए उस कंसेप्ट को पढ़ना चाहिए वो कंसेप्ट को हम, हम हमारे भाषा में हमें उसे समझना है जी. तो वो क्या है कि इंग्लिश में नहीं समझना जैसे भी भाषा हमें हमें इजी है उस भाषा में हमें उसको उस कंसेप्ट को, को hmm. पढ़ना चाहिए right. मुझे तो हिंदी में हिंदी में समझ लेना तो ईजी है और मेरा नोट्स भी ऐसा ही है कि मैं नोट्स इंग्लिश में नहीं लिखता था भाषा में में हमें समझ में आता है उसी भाषा में नोट्स लिखता था ओके। okay. यानी कि मैं अपने मदर टंग मलयालम में भी लिखता था हिंदी में भी लिखता था तो वही तो मेरा स्ट्रैटेजी है ओके, ओके, ओके। तो अश्कर जी से हमें बात करते हुए लग रहा है कि बहुत कोई इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी से बातचीत चल रही है

और दूसरा क्या है कि वो क्या बोलते हैं लेडी लक होते है, ना? <laughs> वही तो, वही तो है वही तो इस okay. एग्जाम करने के लिए है लेकिन ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो मेरा एक मेरा एडवाइस क्या है कि इसको जंग की तरह लड़ना है ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम yeah. को एक जंग की तरह लड़ना है जंग का मतलब ये नहीं कि हमें हार्डवर्क भी चाहिए स्मार्ट वर्क भी चाहिए okay. आ, यस yes. तो मेरा पहला एक जो मेरे दोस्त लोगों को मुझे ये कहना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रिंट आउट लेना बहुत जरूरी है और श्योर शोर टॉपिक्स आपको एक लिखना चाहिए कि ये और हाईलाइट करना चाहिए उस सिलेबस में कि श्योर शोर्ट टॉपिक्स वो जी, तो कुछ भी हो आपको पढ़ लेना चाहिए जी, और प्रीवियस ईयर कट ऑफ कट ऑफ बहुत रोल प्ले करते हैं सर वो तो बोलना भूल गया कट ऑफ बहुत सारे रोल प्ले करते हैं कट ऑफ का मतलब यह है कि हमें एक टारगेट मिलेगा कि ये हमारा टारगेट होना चाहिए हम्म ये हमारा टारगेट होना चाहिए ये ये स्कोर हमें लेना है जी तो वो वो हमारे माइंड में होना चाहिए कि ये टारगेट होना है और जैसे आपने बोला कि मैं सच बोलूं तो भगवान के कसम कहता हूं कि मुझे तो सिर्फ नेट क्लियर करना था असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वालिफिकेशन था तो बा, बाहर था दिमाग से भी बाहर था ओके

एक बार फिर से आपको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच चलिए तो आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं मिलेंगे और सेशंस में आपके साथ टिल देन गुड बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट